नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हम है कभी ब्रजेश कुमार नया और स्वागत करते हैं आपका हास्टर बैंक से परिपूर्ण इस हल्के फुल्के मनोरंजक शो में जिसे आप कहते हैं हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, कवि सम्मेलन से भी बुरा अगर मुझे किसी चीज का एक्सपीरियंस है ना, तो वो ट्रेन का सफर है भाई। कवि सम्मेलन में तो बुरी कविता सुना के भाग सकता है, पर ट्रेन में थोड़ी भाग सकता है। भाई अगर ट्रेन में भी कविता सुना दिया तो लोग चैन पुलिंग करके इसकी ठुकाई करेंगे। अच्छा हर आदमी अपने जीवन में ट्रेन की यात्रा जरूर करता है और यात्रा से कुछ न कुछ यादें जरूर जुड़ी होती हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि यात्रा से जुड़ी कोई यादें हैं, कोई कोई शेयर करना चाहता है, इनको माइक दिया जाए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? परेवा जी। परेवा जी, जी पहला आदमी है जो खुद को सम्मान दे रहा है। इनको पता है दूसरा कोई देगा नहीं तो सेल्फी ले रहे हैं। परेवा जी, क्या यात्रा से जुड़ी आपकी यादें हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। हाँ? तो इत्तेफाक से एक लड़की सुंदर मुझे पास में बगल में बैठ गई। उस सफर का मुझे मालूम ही नहीं लगा मेरा सफर कब निकल गया। वाह क्या बात है, ये तो बहुत खूबसूरत सफर था। लेकिन सर उसे मैं भूलना चाहता हूँ। क्यों भूलना चाहते हैं? क्योंकि वो मेरी बीवी बन गई है। आपके साथ जो हादसा हुआ है ना, आपको रेलवे विभाग से मुआवजा मांगना चाहिए। और किसी को रेलवे का कोई एक्सपीरियंस? अरे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लाजवंती कसेरा। लाजवंती, ओए लाजो। आपका शुभ नाम? इनको मेरा नाम पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि मेरा नाम नया है ना, धीरे धीरे लोग जानेंगे। ब्रजेश कुमार नया मेरा नाम है। पुराने नहीं हो? नहीं नहीं। माता जी। हाँ जी। जिस तरह की आप बात कर रही हैं, अगर एक दो और ऐसी बात आपने कह दी तो कल से आप यहाँ खड़े होकर कुछ लाजवंती बन के शो शुरू करती हुई मिलेंगी। क्या रेलवे का एक्सपीरियंस रहा है आपको? हम उज्जैन से तीर्थ कर आ रहे थे। उज्जैन से लोग तीर्थ करके आते हैं? गोवा से कुछ और करके आते हैं? नहीं नहीं, उज्जैन से हम कुंभ नहाकर आ रहे थे। अच्छा। तो हम 15-20 औरतें थे। हाँ? हमने डिब्बा अपने बुक कर रखा था और जो हम जो भजन गाने लगे, नाचने गाने लगे, जो और थे वो भी हमारे पास आ गए। हाँ? तो एक स्टेशन पर रेल रुकी। हाँ? काफी देर हो गई तो हमने बाहर यात्रियों से पूछा। हाँ? कि भैया ट्रेन कब चलेगी? हाँ? तो वहाँ ट्रेन चलाने वाला भी मौजूद था। उन्होंने कहा आप रुकोगे तो ट्रेन चलेगी। भाई एक बार लाजवंती जी के जोरदार तालियां। भाई हम जो है, हम इनसे ट्रेन की बात कर रहे थे, इन्होंने हमारी ही रेल लगा दी। जीजा जी, अरे कैसे आना हुआ? कैसी हो साली साहिबा? अच्छे। और ब्रजेश जी आप कैसे हो? वैसा ही हूँ जैसे आप छोड़ के गए थे। इसका मतलब कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो, कोई कविता विविता कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ टीसी की नौकरी निकली है, कह तो बात चलाओ। इसको बोलो मैं इसका मार के मुंह फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। कुछ कहा आपने? जीजा जी आप बैठिए, आप बैठिए ना। तुम थोड़ा दूर रहो। और बताइए जीजा जी यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ट्रेन लेके आया था आपके शहर में, तो बोला अपना घर है तो रेलवे के गेस्ट हाउस में कैसे रुकेगा, चला आया। बहुत अच्छा किया जीजा जी। अच्छा सुनिए, ये बातें तो होती रहेंगी, आप एक काम करिए मुंह हाथ धो लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। ये भी ठीक है। अच्छा है। अरे बैग क्यों उठा रहे हैं, हम लोग चोरी थोड़ी करते हैं। अच्छा हाँ। ये लीजिए। अच्छा किया आपने जीजा जी, वो अंदर राइट साइड में है बाथरूम। देखा अब जीजा जी आ गए ना, अब घर में कुछ भी नहीं है, अब हमें क्या खिलाएंगे उनको? अरे क्या खिलाएंगे क्या, मुझे जो खिलाती हो रोटी सब्जी वही भिंडी की सब्जी खिलाओ उनको। और जिस तरह से ये रोज रोज आते हैं ना, इनको किस दिन जहर की रोटी जहर की सब्जी जहर के साथ खिला दो। देखिए ऐसा कुछ मत बोलिए जीजा जी के लिए, पिछली बार आए थे हमारे लिए झुमके लेके आए थे। चोर बाजार का 20 रुपए का झुमका लेके आया था, तुमको बेवकूफ बनाया है। तुमको एक बात पता है, ये टॉयलेट का जो मग है जंजीर से क्यों बंधा होता है? क्यों? क्योंकि पहले खुला रहता था तो ये घर पे उठा के लेके आ गए थे, एक बार तो सत्तू बना के पी रहे थे। धीरे बोलिए जीजा जी, सुनने के तो यहाँ आना बंद कर देंगे। तो धीरे क्यों बोलूं, मैं तो तेज बोलूंगा। मैं तो चाहता हूँ वो आदमी सुने, वो बेशरम आदमी है सुनता है लेकिन इग्नोर करता है, वो एक दिन सुने और यहाँ आना बंद कर दे। साहब
वाश बेसिन की टूटी अभी तक ठीक नहीं करवाई। असल में हमको पता नहीं था ना कि प्रभु चार दिन के अंदर दोबारा आ जाएंगे, इसलिए ठीक नहीं कराया। जीजा जी, इस बार आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं? भूल ही गया, तुम्हारे लिए तो नहीं, ये फुकट के लिए लाया हूँ। ये लो फुकट, ये, पकड़ो। ये, ये, मुंह क्या देख रही हो, जाके चाय बनाओ। जीजा है तुम्हारे, चाडू साहब है। हाँ हाँ, ला रही है चाय। जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, सुनो। पहले आप एक बात बताओ, ये रेलवे वालों ने ट्रेन में घड़ी बेचने का भी काम शुरू कर दिया क्या? अबे आपसे क्या छुपाऊं, परसों के दिन एक लड़का जनरल की टिकट लेके एसी में घुस गया। ईमानदारी का दुनिया ही नहीं है, पकड़ा तो रोने लगा। मैंने बोला रो रहा है अकेले? तो बोले मेरे पास गांधी नहीं है, घड़ी है। मैंने बोला ठीक है लाओ, और उसे छोड़ दिया। देखिए आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो नौकर को दे दूंगा। अरे मुझे आप अपना नौकर ही समझिए। शक्ल से ऐसे ही लगते हो। क्या बात कर रहे हैं, बढ़िया मैं रख लेता हूँ। बहुत अच्छा। अरे ये आ गई, क्या बात है मेरी। ये लीजिए जीजा जी चाय। ये क्या, तुम सिर्फ चाय लेके आई, पकौड़े लेके आने चाहिए थे ना। अरे रहने दीजिए साडू जी, अपन खाना खा लेंगे। अरे फोन बज रहा है। अच्छा एक मिनट, हेलो। हाँ, अरे नहीं माँ कसम, अरे नहीं, आया आया रे। अरे क्या हो गया, किसने फोन काट दिया क्या? साडू साहब घड़ी दिखाओ। घड़ी क्यों निकालो? अरे पर क्यों निकलवा, क्यों अभी तो दिया था आपने, ये निकलवा लिया आदमी। जीजा जी आप पहली बार तो कुछ लाए थे इनके लिए। अरे क्या बताओ, जिस लौंडे से मैंने घड़ी लिया उस टाइम दूसरे लड़के ने वीडियो निकाल के मिनिस्टर को पहुंचा दिया। पुलिस वाले एंटी करप्शन वाले को लेके मुझे ढूंढ रहे, भगवान बचाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, चलता हूँ मैं। वीडियो पे कितने व्यूज आए? अरे व्यूज, हाँ। तो मेरी कविता, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या? कि टिकट काटने वाले का भी कोई ना कोई टिकट काट देता है। नहीं जो है, हैप्पी आवर्स के मंच पे समय हो चुका है कि आपके भेजे हुए फनी वीडियोस दिखाएं। तो आइए दिखाते हैं आपके भेजे हुए फनी वीडियोस। आइए देखते हैं अगला वीडियो। तो ये थे आपके भेजे हुए फनी वीडियोज। अगर आप चाहते हैं कि आपके भेजे हुए वीडियोज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो उसे आप भेजिए इस पते पे, और कमाल का वीडियो भेजने वाले को मिलेगा मौका एक स्मार्ट फोन जीतने का। हैप्पी आवर्स के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सोशल बाबा नामक ट्रेन अपने निर्धारित समय पे है और वो कुछ ही समय में इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। बाबा जी, मैं सोच रही थी कि तुम कुछ मत सोचा करो, रहने दो। लेकिन बाबा जी मैं तो कह रही थी कि कुछ मत कहो भाई। तो फिर मैं क्या करूं बाबा जी? जो हम बोलेंगे वो तुम करोगी नहीं। नाराज हो गई क्या? हम तो कहते हैं मुस्कुराया करो, तुम्हें मुस्कुराता देख भक्त भी मुस्कुराते हैं। भक्तों की समस्याएं सुनते हैं ताकि ये भी मुस्कुराएं और चार पैसे थैले में आए। तो बताइए किसकी क्या समस्या है? हाँ बोलिए। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम हिमांशु है और मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है और मैं चेन भी बहुत खींचता हूँ, लेकिन मैं आज तक पकड़ में नहीं आया बाबू जी। अच्छा, तो ये है वो चेन स्नेचर जो हमारे भक्तों के गले से चेन खींच के भागता है। ट्रेंडी, पुलिस को फोन करती हूं। नहीं, नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, सारी चेन ले जाएगी। लाओ आधी हमारे हवाले करो। बाबू जी मैं उस चेन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस चेन की बात कर रहा हूँ जिसे खींचने से ट्रेन रुक जाती है। अब बुलाओ पुलिस को। क्यों बाबा जी? तुम ही हो जिसकी वजह से हमें जेल की हवा खानी पड़ी। हम तो अपने बाबा दोस्तों के साथ टॉयलेट के पास आराम से बिना टिकट के बैठते थे और ये चेन खींच के भागता है और पुलिस हमें पकड़ लेती थी। दरवाजे बंद कर दो भाई, जाने ना पाए ये।
हर्षल बाबा की। और किसी की कोई समस्या? अरे ट्रेंडी मेरी है। बाबा जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। तुम तो खुद अपने खानदान पे क्वेश्चन मार्क हो। तुम्हारा क्या क्वेश्चन है बाबा जी? मेरा समाधान बताओ तो जानू आपको। जानू क्या कह रहा है कीटाणु? बाबा जी रॉकी भैया आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल? अच्छा, धन्यवाद भाई ज्ञान में इजाफा करने के लिए। थैंक यू। बाबा जी एक्चुअली बात ये है कि आई एम इन लव। हट, हम ऐसे पुरुष नहीं हैं, समझाओ इसे। अरे नहीं, ये गिरा हुआ तो था ही, नजरों से भी गिर गया चीप कहीं का। अरे नहीं नहीं बाबा जी आप गलत समझ गए। मैं एक ना लड़की को प्यार करता हूँ, और पता नहीं लड़की को पता ही नहीं चलता। फिर तो तुम्हारी हमारी कहानी सेम ही है। तुम ऐसा करो, हम तुम्हारी वाली को समझा देंगे, तुम हमारी वाली को समझा दो। सुनो, वो बदनसीब भी तुमसे प्यार करती है कि नहीं? बाबा जी ज्यादा तो मेरे को पता नहीं, पर जब मैं उसको मिलता हूँ तो कभी मेरे बालों में ऐसे हाथ फेरती है, कभी गालों को ऐसे ऐसे करती है, और कई बार ऐसे भी कर देती है। ये तुम्हारा भ्रम है। आजकल लड़कियों की वैसे ही आदत है, जहाँ छोटा सा पिल्ला देखा उठा के गोद में रख लेती हैं और उसे प्यार करने लगती हैं। बाबा जी आप समझ नहीं पा रहे, एक्चुअली मेरी रातों की नींद उड़ गई है। दिन में मत सोया करो, रातों को अपने आप नींद आएगी। नहीं नहीं बाबा जी आप मेरे को ना समाधान बताओ कि कैसे मैं उसको प्रपोज करूं। 250-300 का खर्चा है। क्या लेना बाबा जी? स्टूल पे खड़े हो जाओ और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो आई लव यू। बोल तो दूं बाबा जी पर मेरे से ना बोला नहीं जाता, आवाज नहीं निकलती उसके सामने। अच्छा तो वॉइस मैसेज भेज दो। अरे उसमें फीलिंग नहीं ना जाएगी। लेटर लिख दो। लेटर भी लिख दो पर मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है जी। हमसे लिखवा लो, हम एक्सपर्ट हैं उसमें। ए, फिर तो वो आपके साथ पट जाएगी। तो अच्छा है ना, गरीब का एक और घर बस जाएगा। ये क्या बाबा जी, अपने घर बसा रहे हो, किसी और के घर के बारे में सोचो ना। जब हम घर बसाएंगे आंगन में एक पेड़ लगाएंगे, तुम भी छोटा सा घोंसला बना लेना अपना। अरे नहीं, एक मिनट भैया, बोलो सोशल बाबा। अरे रहने दो, चलो चलो चलो, ये लो तेरे को बाबा। कोई ना बाबा जी विचार। कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, सीरियसली मत लो। तो आज का विचार है भक्तों, वीरू ने बसंती से कहा था, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है, 1-2-3 हो जाती है। जब ट्रेन में टीटी आता है, अक्सर बिना टिकट वालों को टॉयलेट लग जाती है। अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है लघु नाटिका का, और आज की लघु नाटिका का शीर्षक है लौह पथ गामिनी की प्रथम यात्रा। आजो आजो जल्दी आजो। कितनी बार बोला है आप लोगों को पैसे के लिए ना झगड़ा करो, तो ये रिक्शा वाले के साथ झगड़ रहे हैं आप लोग, पता नहीं चलता कुछ आपको। रख लूंगा मैम। सब सामान बराबर लाए हो ना? हाँ हाँ ले आए, सारा सामान ले आए हैं। बाकी का सामान मामू के पास है, वो टिकट लेने गए हैं पहले। पुत्तन बेटा पहली बार हमसे दूर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना बेटा। कितनी बार बोला ना बोला करो, पुत्तन पुत्तन लोग हंस रहे हैं उधर। क्या क्या मतलब है ख्याल रखने से? बीटेक करने जा रहा हूँ मैं, बॉर्डर पर लड़ने जा रहा हूँ, ख्याल रख लेना। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ मर गया भाई? चार चार बड़ा बड़ा बक्सा लाद दिए हो उस पर, आ रहे होंगे, टिकट लेने भी तो भेजा था। बेटा। हाँ जी पापा। सामान पे ध्यान देना। हाँ ठीक है। हम तुम्हारे मामा को देख के आते हैं। हाँ तो मम्मी को भी साथ में लेना, यहाँ रोती रहेगी। अच्छा। अरे क्या सामान, मामा को देख कर आओ, उनको पता नहीं चलेगा। चलो। जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक करेंगे बता।
वहाँ पर आएगी ट्रेन। हाँ जी, ट्रेन वहाँ पर आएगी। हाँ पता है वो तो हमें। माई सर समीर, पहचाना? कौन समीर? अभी 3 बार गुजरा आपके सामने से। बीटेक करने जा रहा हूँ दुर्गापुर। हाँ अनाउंसमेंट हुई थी कि दुर्गापुर वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। नहीं नहीं, पापा ने इंक्वायरी की है, यही पे आएगी। आपका ब्लूटूथ फोन है? गाने सेंड करने थे तो उधर। पुत्तन बेटा, पुत्तन बेटा। क्या माँ पुत्तन पुत्तन लगा रखी है, वो लड़की हंस रही है। पुत्तन में क्या खराबी है? मेरे को तो समझ नहीं आती वो कौन सा दिन था जब मैंने आपके घर में जन्म ले लिया। हे भगवान, अभी घर से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ और इनको हमरी नहीं उस चुड़ैल की याद सताई जा रही है। एक्सक्यूज मी, इन्होंने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, आपको नहीं कुछ कहा, वो दादी को कहा। आपको पता है सास बहू होता रहता है। नहीं नहीं, तुझे ही कह रही हूँ चुड़ैल। एक्सक्यूज मी माजी, माइंड योर लैंग्वेज। पता नहीं कहाँ से जाहिल गवार लोग यहाँ पर आ जाते हैं। आओ। हाँ हाँ भा। ये कुछ पैसे हैं, अपने पास रख लेना। ठीक है जी, ठीक है, रख लेता हूँ जी। अरे क्या कर रहे हो बेटा? अरे कुछ पैसे बनियान के पॉकेट में रखना और कुछ कच्चे के पॉकेट में रखना, और जो कुछ खर्चे वाले हैं 40-50 वो ऊपर के खिसे में रख लेना। हाँ ठीक है, रख लूंगा मैं, ट्रेन में जाके रख लूंगा। और पुत्तन एक काम बताए ना, वहाँ से हम टिकट लाए हैं तुम्हारे लिए और टिकट का जो है 3 फोटो स्टेट करा दिया है। क्या करना, एक रखना अपने अगली जेब में, एक रखना ऊपर की जेब में, और जो एक है वो संदूक में रख लेना। अगर एक भी मिस हो जाए तो दूसरा तुम्हारे पास रहेगा ना। हाँ वो सब तो ठीक है मामा जी, पर वो कोई बोल रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं आ रही, वो क्या चक्कर क्या है ये? पता नहीं, कंफर्म किया था। अरे लेकिन शुक्ला जी ने तो कहा था कि 1 नंबर पे आएगी। अरे शुक्ला जी ने अगर कहा है तो रेल मंत्री भी जो ट्रेन 1 नंबर पे आने वाली है उसको 4 नंबर पे नहीं ला सकते हैं। हाँ फिर तो ठीक है। बेटा पुत्तन सुनो, तुम्हारे डब्बे में 4 दिन का खाना रख दिए हैं हम, अच्छे से खा लेना, 4 दिन चल जाएगा। अम्मा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दुर्गापुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है, आपकी यात्रा सुखद रहे। अरे आप ठीक से पता नहीं किए थे का? ये तो 4 प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। अरे शुक्ला जी ने तो कहा था 1 नंबर पे आएगी। अरे जीजा जी, शुक्ला जी की बात उनके घर वाले नहीं सुनते हैं, आप तो पत्थर की लकीर बनाए बैठे हैं। अरे किसी कुली से पूछ लीजिएगा। अरे आप लोगों के चक्कर में मेरी गाड़ी निकल जाएगी मामा, और बैग उठाओ निकलो। हाँ, अरे तेज चलो, ऐसे तो वैसे निकल जाएगी। अरे एक मिनट चल रहे ना भैया। सुनो पुत्तन बेटा, पहुँचते ही फोन जरूर करना, उस चौधरी की लौंडिया को बार बार फोन मत करते रहना। और हर 7-8 दिन में हमारा ख्याल के लिए फोन करना भाई, पैसा खत्म हो गया इसलिए मत करना। ठीक है पापा, वो गाड़ी निकल जाएगी, मैं जाऊँ। और वर्मा जी से भी हमारा नमस्ते कहना, वो पुप्पा जी ने पूरा व्यवस्था कर दिया है तुम्हारा। पापा मैं चल जाऊँ, फिर मैं चलता हूँ। सुनो बचवा, तुम्हारे बिना मार जीने लगेगा घर में। अरे काहे को रो रही हूँ इतना? हाँ वो क्या विदेश जा रहा है का? 8 घंटे का सफर है, जब याद आए तो चले आना। मैं जाऊँ, गाड़ी निकल जाएगी। माँ का पैर छो, आशीर्वाद दे और जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ जी फिर। और संभालना, गाड़ी में कोई कुछ दे तो खाना नहीं बेटा, खिड़की में से हाथ मत निकालना, समझे? आराम से जाना। अरे पता है मेरे को क्या बोलना, नंबर याद रखना, 98-19-50। अरे अभी अपना गंगा जमला कहे को बहा रही हो? पहली बार हमारा पुत्तन इतनी दूर गया है हमसे, तुम्हारी तरह पत्थर का कलेजा नहीं है हमारा। अच्छा हमारा पत्थर का कलेजा है? और नहीं तो क्या। अरे पुत्तन बेटा, हमारे बिना दिल नहीं लगा ना तुम्हारा, हमें पता था। बेटा वापस आ गए? हाँ तो गाड़ी निकल गई तो वापस ही आऊंगा। और बाकी का सामान? वो मामा जी के पास है। और भैया? वो ट्रेन में। और ट्रेन? ट्रेन निकल गई पहले बोला। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, मामा जी के पास कपड़े हैं, मामा जी के पास किताबें हैं, मामा जी के पास टिकट है, वो जाकर बीटेक करेंगे, और हमारे पास 4 दिन की रोटी है, घर जाकर खाते हैं। चलो पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया मैंने।